आज हम वर्कशीट 17 जो कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा शेयर की गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज भले ही साइकिल पहले की तरह यातायात का लोकप्रिय साधन नहीं है, यह जो वर्कशीट है वो साइकिल के बारे में है, लेकिन यह आज भी सभी के लिए सहज और सस्ता साधन है। 1947 के बाद भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। साइकिल निर्माण और विकास का इतिहास बड़ा ही रोचक है। इसमें काफी बदलाव हुए हैं। कभी इसके दोनों पहिए लकड़ी के बनते थे तो कभी पहियों के आकार छोटे बड़े हुआ करते थे, तो कभी इसमें चैन नहीं होती थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि लोग इसे कैसे चलाते रहे होंगे। आप साइकिल के बारे में कितना जानते हैं? क्या उसके सभी पुर्जों का नाम जानते हैं? नीचे चित्र में दिए गए रिक्त स्थानों के उसके पुर्जों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ साइकिल के बारे में बताया गया है। भारत के इतिहास में साइकिल का बहुत बड़ा योगदान है। 1947 के बाद भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की की थी। पहले साइकिल में लकड़ी के पहिए होते थे, फिर धीरे धीरे तरक्की करते गए, फिर हमारे पास रबड़ वाले पहिए आए और हमारे देश में साइकिल बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। अब आपको नीचे एक साइकिल का चित्र दिखाया गया है, उसमें उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। आओ बच्चों, अब हम साइकिल के पुर्जों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले पुर्जे का नाम है ब्रेक लीवर। फिर नेक्स्ट जो पुर्जा है उसका नाम है फ्रंट फेंडर, इसको फ्रंट फेंडर कहते हैं। उसका जो नेक्स्ट जो पुर्जा है उसका नाम है फ्रंट फोक, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रंट फोक। फिर स्पोक एंड रिम। ये देखिए यहाँ पर ये जो साइकिल में टायर में जो डंडी लगी रहती है इसको कहते हैं स्पोक, और जो जिस में लगी रहती है उसको कहते हैं रिम, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पोक एंड रिम। अगले पार्ट का नाम है डाउन ट्यूब या फ्रेम, इनको हम फ्रेम भी कहते हैं और डाउन ट्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट का नाम है पैडल। साइकिल चलाने के लिए हम पैडल पर जोर लगाते हैं, फिर हमारी साइकिल के पहिए घूमते हैं। अगले पार्ट का नाम है टायर। रिम पे टायर लगे होते हैं जिससे हमारी साइकिल दौड़ती है। अगले पार्ट का नाम है चैन। जब हम पैडल घुमाते हैं तो हमारी चैन घूमती है। तो ये जो अगला पार्ट है इसका क्या नाम है? चैन। अगले पार्ट का नाम है सीट स्टेज। ये जो चैन के साथ साथ ऊपर की तरफ जो ये डंडा जा रहा है इसको हम कहते हैं सीट स्टेज। अगले पार्ट का नाम है कैरियर। सीट के पीछे एक कैरियर लगा रहता है जिसपे कोई दूसरा बच्चा या बड़ा बैठ सकता है। नेक्स्ट पार्ट का नाम है सीट। ये हमारी सीट है जिसपे चलाने वाला बच्चा बैठता है। तो बच्चों ये कुल मिला के ये इतने हमारे साइकिल में पार्ट्स होते हैं। बच्चों आगे लिखा हुआ है, कल्पना कीजिए यदि कभी आपको मौका मिले तो किस तरह की गाड़ी बनाएंगे, उसका एक मॉडल चित्र बनाइए। अब सभी बच्चों को अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी गाड़ी बनानी है। आप साइकिल बना सकते हो, आप कार बना सकते हो, लेकिन अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर एक चित्र आप बना सकते हो, जैसे अभी मैं बनाकर दिखाऊंगा। Thank you.
आगे लिखा हुआ है, आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। कल्पना कीजिए कि सिर्फ साइकिल चलाने से पर्यावरण पर क्या असर होगा। देखिए बच्चों, साइकिल चलाने से रोजाना गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी आएगी, नॉइज पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा हमारा शरीर भी फिट होगा और बीमारियों में भी कमी आएगी।